हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्री स्टडी फॉर यू। दिस इज बेबी एंड बी आर लर्निंग कोरलड्रॉ। और कोरलड्रॉ में आज हम लोग सीखेंगे कि ऑटो बैकअप को कब सेव करें, कैसे करें, उसकी पूरी सेटिंग आज हम लोग देखेंगे। वैसे ऑटो बैकअप होता क्या है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ऑटो बैकअप क्या होता है कि जैसे कोई फाइल है हमारी, उस पर हम काम करते हैं, तो उसको अगर सेव करना है, जैसे हम लोग तो एक तो मैनुअली सेव करते हैं फाइल में जा कर के, और यहाँ से हम लोग सेव करते हैं। एक होता है ऑटो सेव, आप सेव करें या ना करें वो फाइल ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। ये वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, और ये जो सेव होता है ये टेम्प्ररी फाइल में होता है। तो इसको हम लोग कैसे करते हैं, जैसे पहले मैं एक कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर आ कर के, और लाइक यही ड्रॉ कर लेता हूँ और इसमें कोई कलर फिल कर देता हूँ। मान के चलिए हमने ये फाइल बनाई है, अब इस फाइल को हमने सेव नहीं कर पाया, अचानक पावर कट हो जाता है या फिर अचानक जो सॉफ्टवेयर चलाते हैं सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है, कई सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। और हम लोग इम्पोर्टेंट फाइल पे काम करते हैं, आधे से ज़्यादा काम कर चुके होते हैं और अचानक शट डाउन हो जाता है या कुछ हो जाता है, फाइल हमारी हट जाती है। तो इसके लिए ऑटो बैकअप बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आएंगे टूल्स में, और टूल्स में यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शन, इसका शॉर्टकट है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी से भी आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं। तो जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये दिखेगा इस तरह से। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वर्क स्पेस पे, यहाँ पर प्लस का साइन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आना है सेव। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा ऑटो बैकअप। तो ऑटो बैकअप अभी ऑन है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑन ही होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो है। तो ये क्या है, हर 20 मिनट पे ये ऑटो बैकअप सेव हो जाएगा। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको ये मैनुअली चेंज कर सकते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 30, 60, और नेवर अगर आप कभी भी इसको नहीं करना चाहते हैं तब ये कर दें। और अगर आप मैनुअली टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करके भी, जैसे मैंने यहाँ पर किया कि एवरी 1 मिनट में ये सेव हो जाना चाहिए, तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर टिक कर देते हैं, तो टिक करने के बाद ये सेव हो जाएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यूज़र टेम्प्रेरी फोल्डर, तो ये इस समय अभी सेव कहाँ होता है, यहाँ पर होगा सी में, यूज़र में, कृष्णा में, उसके बाद ऐप डाटा लोकल टेम्प, टेम्प्रेरी फोल्डर जो होता है उसमें सेव होता है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ परसेंटेज TEMP और फिर परसेंटेज, तो ये है टेम्प्रेरी फोल्डर, यहाँ पर ये सेव होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्प्रेरी फाइल आपकी सेव हो जाती है, लेकिन इससे सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर क्रॉस कर दूँ, यहाँ पर आते हैं स्पेसिफिक फोल्डर, तो यहाँ पर आप कोई भी फोल्डर दे सकते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सी यूज़र, अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, यहाँ पर कॉपी किया और मैं ब्राउज़ पर आता हूँ, ब्राउज़ पर आने के बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये पूरा कंप्यूटर का सेटिंग है। तो यहाँ पर आप कहीं भी सेव कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ दिस पीसी में, और दिस पीसी में कोई भी ड्राइव में मैं सेव कर देता हूँ, जैसे ये लर्निंग मटेरियल है इसी में मैं एक नया फोल्डर बना करके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नया फोल्डर बन जाएगा। यहाँ पर मैं बना देता हूँ CORELDRAW बैकअप फाइल, BACKUP बैकअप FILES फाइल्स, और यहाँ पर मैं क्रिएट करने के बाद इसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अभी आप देख रहे होंगे सी यूज़र कृष्णा और कोरलड्रॉ बैकअप फाइल्स में ये सेव हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें लास्ट ऑप्शन में, यहाँ पर क्या है, मेक बैकअप ऑन सेव, जब भी आप सेव करें तब ये बैकअप बनाए, तो यहाँ पर आप क्लिक ही रहने दें, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप फाइल को सेव करेंगे ना, ये एक बैकअप अपने आप बना देगा, उसी बैकअप में बनाता जाता है। और यहाँ पर आप कर सकते हैं, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप उस हिसाब से बनाएं, जैसे आप ज़्यादा जल्दी जल्दी काम करते हैं, जैसे कोई इम्पोर्टेंट फाइल पर काम कर रहे हैं तो 1 मिनट कर दीजिए, अगर आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो यहाँ पर आप जितना भी आप सेव करना चाहें तो उतना सेव कर दीजिए। इस तरह से करने के बाद आप ओके प्रेस करेंगे तो ये बैकअप बनाता रहेगा। तो इस तरह आप, जैसे अगर मैं इसको सेव कर देता हूँ, मान के चलिए मैंने सेव किया, और इसको मैं कहाँ पर सेव कर देता हूँ, लर्निंग मटेरियल में बाहर ही यहीं पर सेव कर देता हूँ। मैंने ये सेव किया तो ये फाइल तो सेव हो गई, और इसी के साथ साथ इसमें एक फ़ाइल अभी और सेव हुई है। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ लर्निंग मटेरियल में, तो यहाँ पर ये CTR, ये तो फाइल सेव हुई ही है, और एक फोल्डर जो हम लोगों ने बनाया था इसी में बनाया था, कहाँ गया,
कोरल ड्रॉ, फ्री स्टडी फॉर यू, प्रोजेक्ट वेब डिजाइनिंग कहाँ पर बनाया था मैं ये पर, यहाँ पर आके चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर से अभी आप लोग डायरेक्ट जा सकते हैं, या फिर शॉर्टकट है कंट्रोल जे, तो उसमें भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बनाया था सी में, यूज़र में कृष्णा पीसी में, और कोरल ड्रो बैकअप, ओ सॉरी ये सी में बन गया। ये कहाँ पर सेव हुआ होगा, ये यहाँ पर और ये सी में, इसमें इसी में एक कहीं फोल्डर होगा, इसमें क्या था कृष्णा पीसी में, कहाँ गया प्रोग्राम। एक काम करता हूँ, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, ये यूज़र कृष्णा पीसी कोरल ड्रो टू बैकअप, यहाँ पर मैं आता हूँ, यूज़र कहाँ पर है, यहाँ पर ये है यूज़र और ये कृष्णा पीसी, यहाँ पर कोरल ड्रो बैकअप फाइल, यहाँ पर ये दिस फाइल इज एम्प्टी, ये सेव क्यों नहीं हुआ है, मैं दोबारा करता हूँ और इसको मैं अलग जगह सेव कर देता हूँ। ये यहाँ पर हो गया है, मैं यहाँ पर दिस पीसी में और इसमें लर्निंग मटेरियल के अंदर यहीं पर मैं एक फोल्डर बना देता हूँ। कहाँ पर बन रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं बना देता हूँ, यहाँ पर म्यूजिक में नहीं, एक मिनट, ये लर्निंग मटेरियल, यहाँ पर राइट क्लिक करके और न्यू फोल्डर, तो ये के फोल्डर बन जाएगा। मैं कर देता हूँ सीडी बैकअप, बी के शॉर्टकट में लिख देता हूँ बी के पी, ठीक है, सीडी बैकअप ये हो गया। अब ये ई में और सीडी बैकअप में डायरेक्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। ये है एवरी 1 मिनट पे, अगर यहाँ पर मैं सेव एज कर देता हूँ, इसी में फिर से सेव कर देता हूँ, ओके। और अभी यहाँ पर मैंने ये सेव कर दिया था कि नहीं किया था, ये 5 मिनट पर है, इसको मैं कर देता हूँ एवरी 1 मिनट पे, तो 1 मिनट के बाद ये ऑटो सेव हो जाएगा। अगर आप 1 मिनट 1 मिनट बाद अगर आप ये फाइल आपकी हट भी जाती है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपकी फाइल उसमें सेव हो जाएगी। अगर मैं दिखा दूं, अभी तो शायद नहीं हुई होगी क्योंकि 1 मिनट नहीं हुआ है, फिर भी मैं देख लेता हूँ कहाँ गया, ये इधर ही आ गया है, आप अभी आप देख रहे होंगे बैकअप ऑफ अनटाइटल्ड 1, ये अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव है और इसी में ये अनटाइटल्ड के नाम से ये कि ये सेव हो गया है। तो यहाँ पर ई में सेव होता जाता है, इसी तरह से आपकी बैकअप फाइलें सेव होती जाएंगी, जो भी आप फाइल का पाथ देंगे उस पाथ में सेव होती जाएगी। बाय द वे, ये कभी आपसे हट भी जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी फाइल यहाँ पर ये मौजूद होगी। अगर आपको यहाँ नहीं मिलती है, तो आप टेम्पररी फोल्डर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, जो मैंने पाथ कॉपी किया था वो मैं यहीं पर पेस्ट कर देता हूँ दिस पीसी में आके, और यहाँ पर वो मैं पाथ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सी यूज़र, अगर आप डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो परसेंटेज टेम्प लिखेंगे, तब भी आप यहाँ पर आपको मिल जाएगी कोरल ड्रो की फाइल, तो यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर परसेंटेज टेम्प सर्च करके TEMP और परसेंटेज, तो यहाँ से भी आप लोग जाके उसको सर्च कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, साइनिंग ऑफ।